नमस्ते, मैं उज्ज्वला, महाराष्ट्र पुणे से। दोस्तों, आपने ये मेरा नाग चंपा का पौधा मेरे बहुत से वीडियो में देखा होगा, आप देख सकते हैं। अभी इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, ये जो नई वाली पत्तियां है ये कर्ली हो रही है और इस पे बहुत मिलीबग का अटैक हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत से मिलीबग का इस पे अटैक हो रहा है। मैंने बहुत सारे स्प्रे इस पे अप्लाई किए हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आज मैं इसके मिट्टी पर कुछ ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, देखते हैं अब क्या फर्क पड़ता है। मैं इसकी ऊपर की 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी निकाल दूंगी। जड़ों के साथ छेड़खानी होने वाली है अब थोड़ी बहुत, आप देख सकते हैं। कम से कम 2 से 2.5 इंच तक मिट्टी मैंने बाहर निकाली है। ये अब मैं बहुत ही रिस्क ले रही हूँ मेरे पौधे के साथ, क्योंकि अब गर्मियों के दिन है, ऊपर से इनका फ्लावरिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन इन पर जो मिलीबग का अटैक बार बार हो रहा है उससे मेरे दूसरे पौधों को नुकसान ना हो, इसलिए मैं ये रिस्क ले रही हूँ। अब मैं इसमें 2 मुट्ठी तक नीम खली मिलाने वाली हूँ। नीम खली हमारे पौधे के लिए कितनी अच्छी होती है और कितनी असरदार होती है ये तो आप जानते ही हैं। आप मेरा नीम खली वाला वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल दूंगी। तो मैंने इसमें 2 से 2.5 मुट्ठी नीम खली का इस्तेमाल किया है और कैल्शियम के लिए मैं लगभग 2 चम्मच इसमें बोन मील मिला रही हूँ। अब जो मिट्टी मैंने निकाली है उस मिट्टी में मैं हल्दी मिला रही हूँ। हल्दी भी हमारे पौधे के लिए और पौधे की मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कीजिएगा। अब इस मिट्टी को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसमें मैं वाटरिंग करूंगी, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। आप भी अपने पौधे के साथ ऐसा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते रहिए, इसका रिजल्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।